या अल्लाह, आखिर में हम मिन्नत करते हैं जो वबा तेरी तरफ से आई हुई है, तेरी नाराजगी है, या अल्लाह हमारे ऊपर से इसे हटा दे, या अल्लाह हमारे ऊपर से इसे हटा दे। पूरी दुनिया की ताकतें बेबस हो चुकी हैं, तो करम फरमा दे, या अल्लाह इसको हमसे दूर फरमा दे। और या अल्लाह, गैर मुस्लिम भी तेरे बंदे हैं और मुस्लिम भी तेरे बंदे हैं, दोनों ही तेरे बंदे हैं। जितने मुस्लिम फंसे हों या गैर मुस्लिम फंसे हुए हों, सबको शिफाए कामिला नसीब फरमा। हमारे पड़ोसी मुल्क में या अल्लाह, जो एक मौत का रक्स जारी है और लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, या अल्लाह उनके लिए रहम फरमा और उनके लिए आसानी फरमा। हम इंसानियत के नाते उनकी हमदर्दी में तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इस वबा को ठंडा फरमा दे, पूरे आलम से हटा दे। या अल्लाह हमें इस काम के लिए अच्छा स्टाफ नसीब फरमा, अच्छे वर्कर नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी तिजारत को दयानतदारी से सजा, सच्चाई से सचा। या अल्लाह हमें धोखा देने से बचा, हमें झूठ बोलने से बचा। या अल्लाह हमें हेरा फेरी से बचा, वादा खिलाफी से बचा। जबान के बोल को या अल्लाह निभाने की तौफीक अता फरमा, हम बोल के फिर ना जाएं। अल्लाह जो बोल हो जाए उस पर हमें साबित और कायम फरमा। या अल्लाह इस हमारी तिजारत को भी हमारी जन्नत का जरिया बना। या अल्लाह जैसे हम मस्जिद में जाने का अजर सोच के जाते हैं, यहाँ भी आए तो इस नीयत से आए कि या अल्लाह सच्चाई और दयानतदारी वाली तिजारत करके नबियों का साथ लेना है। सच्चा ताजर नबियों के साथ उठाया जाएगा, हमें भी नबियों में उठाने वाला बना दे। वसल्लल्लाहु तआला नबी अल करीम आमीन बिरहमतिक।